चमचीला किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सिंपल सी बनने वाली थाली, जो नवरात्रि में नौवा दिन नौ कन्या को खिलाया जाता है ना, वही मैं लेकर आई हूँ। हलवा पूरी चना, चना भी इसका बहुत ही चटपटा रहेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम चना लेंगे। तो चना को मैंने रात को ही भिंगो के रख दिया था, अच्छे से ये चना फूल गया है। आप अगर दिन में भिंगो के रख रहे हैं तो इसको 8 से 10 घंटा तक भिंगो के रखेंगे, तभी अच्छे से चना फूलता है। और इसको कुकर में मैंने डाल दिया फटाफट से, और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। और इसको ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक हम लोग पकाएंगे चना को। तो इसका थोड़ा सा मैंने पोजीशन चेंज किया है, चना को कुकर को मैंने उस तरफ रख दिया है, इस तरफ हम हलवा बना लेंगे फटाफट से, दोनों काम साथ में हो जाएगा इसीलिए। और ये पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे, हल्का सा पैन को गर्म किया है। और इसमें घी डालने के बाद 1/3 कप हम डालेंगे सूजी यानी कि रवा, और डालने के बाद इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो साथ में भी ड्राई फ्रूट्स डाल दें, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जल्दी फ्राई हो जाता है तो आपका ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए आप 1-2 मिनट चला लें, उसके बाद सूजी को फिर फ्राई करें। तो काजू डाल रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ, और डाल रहे हैं बादाम, आलमंड बादाम, और मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 4 से 5 मिनट तक ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे सूजी को, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको भूनना है। तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ पिस्ता, इसे भी अच्छा टेस्ट आता है। ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसको चलाते रहना है आपको जब तक इसका ब्राउन कलर ना आ जाए। देखिए इस तरीके से दिखने लगता है, कलर आ गया है सूजी में। और सूजी में हम 1 कप पानी डाल देंगे, 250 ml वाला है ये कप, 1 कप पानी डाले हैं। 1/3 कप सूजी लिया था और 1 कप मैंने पानी डाला है, और इसमें डाल देते हैं 1/3 कप चीनी, थोड़ा सा कम है, आप मीठा ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं। और थोड़ा सा डाल देते हैं इलायची पाउडर, और इसको धीमी आंच पर धीरे धीरे चला लेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं किशमिश, आप चाहें तो यहाँ पर चॉप किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं। और इसको धीरे धीरे हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, अच्छे से चलाते हुए हम इसका जो भी पानी है अच्छे से सुखा लेंगे, और सूजी को भी अच्छे से फूल जाए तो हलवा खाने में अच्छा स्मूथ सॉफ्ट हलवा बनता है। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे आपको चलाते रहना है, और इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, अब्जॉर्ब हो चुका है हलवा के अंदर, और इसको प्लेट में निकाल देंगे। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, और इसको हम नीचे उतार देंगे। और यहाँ पर देखते हैं चना, तो चना भी अच्छे से उबल गया है, 3-4 सीटी आ गया था। और पैन चढ़ाते हैं, और पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें हम पैन के अंदर डालेंगे घी। तो घी मैंने थोड़ा सा लिया है, 1 चम्मच के करीब 1 चम्मच मैंने लिया था, और इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पर लंबा लंबा कटा हुआ अदरक है, ये भी डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। और इसको अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा भून लेंगे ना, उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी, ज़रा सा डालेंगे तो ज़्यादा नहीं, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और चना को भी देख लेते हैं, तो चना भी अच्छे से उबल गया है, देखिए हल्का सा मैंने दबाया तो अच्छे से दब गया, मतलब पक चुका है। और पानी में मैं इसका फेंकूंगी नहीं, इसी के अंदर पानी को भी डाल दूंगी, और इसको हाई फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए हम पका लेंगे। और नमक डाल देते हैं, नमक मैंने सेंधा नमक लिया है, कि कन्याओं को खिलाना होता है तो पूजा में सेंधा नमक ही यूज करें व्रत में,
और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसको पानी जब तक सूख ना जाए तब तक आपको इसको चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने में, क्योंकि हाई फ्लेम पर सुखा रहे हैं तो जल्दी से पानी इसका सूख जाता है। तो ये देखिए अच्छे से चना हमारा मसाला बनके तैयार है। तो धनिया पत्ता डाल देते हैं बारीक कटी हुई। अब हम गैस को बंद कर देंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए मस्त हमारा चना मसाला बनके तैयार है, हलवा भी बन गया, चना मसाला भी तैयार हो गया। फटाफट से हम लोग पूरियाँ बना लेंगे। तो पूरी के लिए 1/3 कप मैंने आटा लिया है, तो इसी कप से मैं 2 कप आटा लूँगी। 1/3 कप वाला ये कप है ना, इसी से 2 कप मैंने भर भर कर आटा लिया है। इसी से मैं पानी भी लूँगी, इससे आपका मेजरमेंट भी पता चल जाएगा कि आटे में कितना पानी डालना है। तो धीरे धीरे हम पानी डालते हुए आटा लगा लेंगे अच्छे से। ज़्यादा इसका सॉफ्ट आटा नहीं होता है, इसका आटा थोड़ा सा टाइट ही रहता है, ज़्यादा नहीं। तो मेरा टोटल 1 कप पानी लगा है, 2 कप आटा में 1 कप पानी लगा है, 1/3 कप। और अच्छे से मैंने सॉफ्ट आटा बना के तैयार कर लिया। इसको 10 मिनट रेस्ट कर देने, उसके बाद हम पूरियाँ बनाएंगे। तो 10 मिनट अच्छे से मैंने रेस्ट करने दिया था, उसके बाद हम पूरियाँ बना रहे हैं। तो छोटा सा एक लोया लिया है, इसको गोल बनाकर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, सूखी आटा नहीं लगाएंगे, इससे तेल ख़राब हो जाता है जब भी हम लोग पूरियाँ तलते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाया है। और इसको छोटे छोटे हम लोग पूरियाँ बना लेंगे, मतलब गोल गोल पहले बेल लेंगे, उसके बाद हम लोग तेल में डालकर छान लेंगे, मतलब डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पूरी बेल कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर तेल बैठाया है कढ़ाई में गरम होने के लिए, तो पहले तेल को टेम्परेचर को चेक करते हैं। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए तभी पूरी को तले, हाई फ्लेम पर तेल अच्छे से गरम होना चाहिए तभी पूरी फूलता है। तो देखिए तेल अच्छे से गरम था, पूरी भी अच्छे से फूल चुका है। इसी तरीके से सारी हम लोग पूरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। इसको रख देते हैं और भी बना लेते हैं। सारे पूरी अच्छे से फूल रहे हैं क्योंकि मैंने फ्लेम को हाई रखा है। आटा भी अच्छे से सॉफ्ट गूंदना चाहिए तभी आपका पूरी अच्छे से फूलेगा। जब भी आप फटाफट से हम लोग प्लेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पहले मैं चना रख रही हूँ, पहले अपने हिसाब से प्लेटिंग कैसे भी कर सकते हैं। चना रखने के बाद हम हलवा रख देंगे, तो हलवा अपने हिसाब से कट कर लें, छोटे छोटे पीसेस में, स्क्वायर में कट कर सकते हैं या रेक्टेंगल में कर सकते हैं। मैंने तो काजू कतली के साइज़ में काटा है, तो ये इस तरीके से आप भी कट कर सकते हैं या गोल भी कट करके रख सकते हैं। और रख देते हैं गरम गरम पूरियाँ जो मैंने फ्राई तल के रखा था। और देखिए माँ दुर्गा के प्रसाद हमारे बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से बनाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।